में स्मृति ईरानी ने कमलनाथ और मध्य प्रदेश के मुद्दे पर हमलावर रही। बेहद बड़ा हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल जी किस मुंह से अमेठी के लोगों को मुंह दिखाएंगे। हम जानकारी लेंगे प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपने सुना ही मैंने क्या कहा। जब कोई झूठ बोला जाता है तो बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर एक बात है, अमेठी से जो रिश्ता गांधी परिवार का है उन्होंने दिया है, और हमारी स्मृति ईरानी जी ने अमेठी से लिया है। कहाँ है IIIT, कहाँ है हिंदुस्तान पेपर मिल, कहाँ है फूड पार्क। सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ अब नहीं रहा है, वो विकास का गढ़ हो गया। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं उनसे जानना चाहता हूँ, वो बताएं उन्होंने क्या दिया रायबरेली या अमेठी को। एक किसी योजना का नाम बताएं तो मैं उनसे चर्चा करूं। विकास का गढ़ कह देने से नहीं होता। अभी तक जिंदगी में एक चुनाव भी वो नहीं जीती है। पहले एक बार जीत जाए चुनाव तो फिर जीते लोगों से बात करें। जो लग रहा है जिस तरीके से रुख इन तीन राज्यों में आया है और जिससे राहुल जी उभरे हैं एक ऐसे नेता के रूप में जिसने संघर्ष किया है, जब लोगों की आवाजें बंद हो गई तो वो आवाज उठा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार स्मृति जी अपनी जमानत दे।